खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद, मैं हूं नवेद खान। आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर। मेरठ दिन 11 जुलाई 2020 उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर शासन प्रशासन पुलिस लगातार चौकसी कर रही है। कोरोना की चेन को तोड़ने का हर प्रयास लगातार जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अहम फैसला लेते हुए पूरे प्रदेश में बीती रात यानी शुक्रवार रात 10 बजे से आने वाले सोमवार सुबह 5 बजे तक मेरठ में संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया है। शनिवार की सुबह से ही पुलिस प्रशासन सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटी है। हर चौराहों पर पुलिस की मुस्तैदी देखी जा सकती है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि पुलिस कर्मी लगातार लोगों को रोक कर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। मेरठ मित्र की टीम ने जायजा लिया शहर का, तो देखा कि हर चौपले पर हर चौराहे पर पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। रात से लागू संपूर्ण लॉकडाउन का असर शनिवार सुबह से ही देखने को मिला। पूरे शहर के हर चौराहे पर नाम मात्र को ही लोग की आवाजाही दिखाई, आवागमन बहुत कम रहा। साथ ही हर चौराहे पर पुलिस भी मुस्तैदी के साथ अपने आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करती नजर आई। वैसे जिस तरह से जिले भर में चीनी वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर प्रशासन बहुत सख्त है, पुलिस खासतौर पर, लेकिन आम जनता की बात करें तो जनता पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रही है। मेरठ की जनता पुलिस प्रशासन को पूरा अपना समर्थन दे रही है और उनका साथ दे रही है। कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ने के पीछे एक और वजह है जो घर घर जाकर संक्रमितों की पहचान करना है। योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी उपलब्ध कराने और जिनमें संक्रमण लक्षण देखे गए हैं कोरोना के, उनकी पहचान करने के बाद इलाज व घरों में आइसोलेट कराने की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के ये नतीजा निकला कि संक्रमण के मामलों में और बढ़ोतरी देखी गई। मेरठ मित्र चैनल एंड परिवार जनता से निवेदन करता है कि कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए खुद ही से बचने के लिए सरकारी नियमों का, पुलिस के आदेशों का, निर्देशों का पालन कीजिए। तभी जाकर इसके बढ़ते प्रकोप पर अंकुश लगाने में हम सभी को कामयाब मिलेगी। लॉकडाउन को लेकर मेरठ मित्र से खास बातचीत में क्या कह रहे हैं मेरठ के डीएम अनिल ढींगरा और एसएसपी अजय सानिया, ये देखिए। देखिए, जनपद मेरठ में कल रात 10 बजे से जो है हमारा 13 तारीख की सुबह 5 बजे तक जो है पूरा कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसमें हम लोगों ने सिर्फ दवाई और जो दूध की दुकानें हैं सिर्फ उनको ही अलाउ किया है, और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं या जो हमारे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का काम है, आरआरटीएस का या हमारा डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर का और नेशनल हाईवे का है, सिर्फ वही है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे पेट्रोल पंप और ढाबा खुलेगा, बाकी सब अन्य बंद है। सभी मार्केट प्रतिष्ठान और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज, इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स हैं वो सब बंद हैं। और सभी जगह जो है लोगों से अपील भी किया गया है, आप देख भी रहोगे इस समय लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन भी किया है। से सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन किया गया है। इसमें जो भी आवश्यक चीज़ें हैं जैसे मेडिकल स्टोर और बाकी चीज़ें, वही केवल खुलेंगी, बाकी सारी चीज़ें बंद हैं। और कल रात से ही प्रशासन और पुलिस के सभी लोग फील्ड में लगे हुए हैं, और सुबह जैसे ही दुकानें खुलने का समय हुआ था सभी से सभी अधिकारी, एसडीएम, सीओज और बाकी पुलिस के सभी जो थाना प्रभारी वगैरह हैं सब लोग फील्ड में हैं। सबको अनाउंस करके बताया भी गया है और जनता का भी इसमें भारी सहयोग मिल रहा है। लोग स्वतः ही घरों से नहीं निकल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज नियमों को नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ चालान किया जा रहा है, गाड़ियाँ सीज की जा रही हैं और मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि सोमवार 5 बजे तक पूरी तरह से लोग लॉकडाउन का पालन करें, बगैर मास्क के ना निकल। राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र।